प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसका सीधा असर महिलाओं के ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है। इस कंडीशन को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कई बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज की वजह से प्री मैच्योर बर्थ या मिसकैरेज का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे। अपनी डाइट में आप फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, फल और साबुत अनाज को डाइट में शामिल करें। साथ ही शुगर और तली हुई चीजें और फास्ट फूड का सेवन करने से बचें। आप घर पर ही हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए मॉर्निंग वॉक और योग बेहतर ऑप्शन है। हालांकि इस समय एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी में ज्यादा वजन होने से डायबिटीज का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ये गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए मीठा, घी, फास्ट फूड और तली हुई चीजों से परहेज करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में तनाव लेने से हार्मोनल बदलाव तेजी से होने लगते हैं। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है, इसलिए तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। इसके लिए आपको नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।